दोस्तों इंग्लिश से जुड़े कुछ वर्ड जो इस प्रकार है योर वर्क विल बी डन दोस्तों जिसका यानी मतलब होता है आपका काम हो जाएगा दोस्तों कुछ ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं जिन्हें आप काम सौंप देते हैं तो दोस्तों वो बोल देता है कि आपका काम हो जाएगा आप निश्चिंत रहिए दोस्तों नेक्स्ट है कम टू द पॉइंट दोस्तों जिसका यानी मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आओ दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घुमा फिरा के बात करते रहते हैं तो दोस्तों जब आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि सीधे मुद्दे पर आओ क्या हुआ है दोस्तों नेक्स्ट है यू हैव लोस्ट द चांस दोस्तों जिसका यानी मतलब होता है आपने मौका गंवा दिया दोस्तों कुछ ऐसे पल होते हैं जब आप उसे गंवा देते हैं तो दोबारा नहीं आता है दोस्तों नेक्स्ट है ही इज नॉट एट होम दोस्तों जिसका यानी मतलब होता है वो घर पर नहीं है दोस्तों जब भी आप किसी को खुद नहीं उसके घर पर जाते हैं तो दोस्तों उनके फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि वो घर पर नहीं है वो काम पर गए हुए हैं तो दोस्तों वहाँ हम ही इज नॉट एट होम का यूज करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है ओपन योर एयर्स एंड लिसन दोस्तों जिसका यानी मतलब होता है अपने कान खोलो और सोनो दोस्तों अधिकांश आपके पेरेंट्स और गार्जियन बोलते हैं कि अपने कान खोलो और सुनो कि ये काम हो जाना चाहिए तो दोस्तों वहाँ हम ओपन योर ईयर्स एंड इडिशन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है यू आर एच चीटर दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है आप एक धोखेबाज है दोस्तों किसी व्यक्ति को झूठ बोल के अपना काम निकलवा लेना या दोस्तों झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट बेच देना तो दोस्तों वहाँ पर वो व्यक्ति को जब पता चलता है कि उसने मेरे साथ धोखेबाज किया है तो दोस्तों वो वहाँ पर वो यू आर एच चीटर का यूज करता है